ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन अलोंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग के डायरेक्शन में आपका सेम होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऊपर नीचे हो सकती है ना, ठीक है, जैसे इसमें है ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, सभी लोग आराम से समझेगा, अभी करते करते देखना, इजी से इजी क्वेश्चन कराते कराते मैं बहुत ही टफ टफ क्वेश्चन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है, लेकिन सारे लोगों को क्वेश्चन बनेगा, बसरते जो मैं समझा रहा हूं वो समझते चलना, नहीं आए पूछते चलना बेटा, लाइव क्लास का यही फायदा है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। अगर मैं बोलू ए की वेलोसिटी भी है या भी है, तो बताओ भी क्या होगा, बताओ भी क्या होगा बाबू, अगर ए की वेलोसिटी भी है तो भी वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, भी होगा, ऑफ ए होगा, क्या होगा बताओ, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी होगा, हाँ क्या हो गया, सेम होगा, यस, जिसको भी सेम आया है 100% करेक्ट आंसर है। अगर ये भी वेलोसिटी जाएगा तो ये स्प्रिंग के अलोंग है, ठीक है, और भी आपको निकालना है स्प्रिंग के अलोंग, इसलिए क्या होगा, जितना से ये नीचे आएगा उतना से इसको भी नीचे आगे जाना पड़ेगा, यानी कि भी इज इक्वल टू भी, यानी भी का भी वेलोसिटी क्या होगा, भी ही होगा, B का भी वेलोसिटी क्या होगा, B के बराबर ही होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को अप टू हियर? नो सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। चलो हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आया इसको प्रूफ कर सकते हैं? इसको इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसे देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे का, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसको होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ जो है स्ट्रिंग का दैट इज कांस्टेंट, स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, तो जितने टाइम में ये ब्लॉक आगे जाए यानी लेंथ स्ट्रिंग उतना नहीं, आई स्पेशली मेंशन that the string is inextensible. Got the point? Clear? Yes, sir. चलो आगे बढ़े, next लिखो, next लिखो बाप, मान लीजिए एक ये है ना, और ये यहाँ पर पुली है, और ये पुली से टकरा करके देखो ऐसे आ रहा है, बात को समझो, ये इधर है और एक इधर है, जमीन में रखा हुआ, और ये थोड़ा ऊपर था, ये थोड़ा ये ऊपर था, ठीक है, ये कुछ ऐसा सिस्टम है ना, और इसको यहां से यहां बांध दिया गया है, ये पुली है, ठीक है, अब आपको कहना है अगर मैं आगे कितना से लेके जा रहा हूं, 8 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहा हूं, और ये जो एंगल है ये बना रहा है 37 डिग्री, तो आपको बताना है कि बी का वेलोसिटी आगे जाने का कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब मुझे बताओगे, ये निकाल के बताओ कितना होगा, सभी लोग बनाएगा, सभी लोग नहीं आएगा मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई, जो कोशिश करेगा
जो कोशिश करेगा वो सक्सेस हो जाएगा। सर बन गया। 10 मीटर पर सेकंड। ओके और किसी को, और किसी को? यस सर। दो तीन लोगों को 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। ओके 10 मीटर पर सेकंड। ओके यस सर। 10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा रिस्पांस है। जितने लोगों ने 10 मीटर पर सेकंड बताया है उन सभी लोगों को आंसर 100% करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, जिसको मार्ग नहीं आया है, जो सोच रहा है वो बोर्ड पे देखो, मैं समझाता हूं आपको। ये भी इधर है। मैंने क्या बोला था? मैं बोला था कि स्प्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम होना चाहिए। मैं ये भी बोला था कि टेढ़ा बेढ़ा जब होगा तो उसको तोड़ करके अब स्प्रिंग के अलोंग कंपोनेंट ले लेना, यानी भी अगर इधर है इस तरफ कितना होगा बाबू? भी cos 37 हो जाएगा बाबू, कितना होगा? भी cos 37 हो जाएगा, यस और नो? इस तरफ का अगर ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, और ये इधर ही जा रहा है तो ये भी स्प्रिंग के लॉन्ग हो गया और ये भी स्प्रिंग के लॉन्ग हो गया, तो ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, यस और नो? यस और नो? यस सर। क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा भी cos 37 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और cos 37 मैंने बता रखा है आपको बेसिक मैथ में कितना हो जाएगा? cos 37 कितना होगा बताओ? 4/5। 4/5 इज इक्वल टू 8। यहाँ से कैंसिल हो गया 2 और यहाँ से भी कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। आ गया बाबू, उतार लो सभी लोग। सभी लोग जिसको नहीं बना था उतारो। मित्तिक समझ में आया बेटा कैसे किया? यस सर। इजी है, टफ है? इजी है। उतारते चलो। सुमन, सीमा, समझ में आ रहा है? यस सर। जया, सभी को समझना है। ऐसा मैं कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो समझ में ना आए किसी को, ठीक है? ऐसा मैं कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो समझ में नहीं आएगा या नहीं आए, ठीक है? मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपको समझ में आए और जो इजी है, ठीक है? और जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना सही आपको आईआईटी आराम से हो जाएगा, ये भी तय है समझ में? इसलिए इसकी भी टेंशन नहीं है। अमन, आवाज आ रही है? यस सर। बड़ा तुम कुछ क्लास से गायब थे क्या? सर लास्ट क्लास में नहीं था मैं। बाकी अटेंड कर रहे हो? यस सर। कहाँ घूमने चले जाते हो भाई? कहाँ घूम रहे हो? सर कहीं नहीं घूमा, बस मेरी एक क्लास मिस हुई है लास्ट वाली। नहीं बेटा, क्लास मिस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? आईआईटी जाना है। हाँ है ना, अभी कुछ नहीं कॉम्प्रोमाइज बेटा, है ना? अगर तुम्हें बोल देगा दुनिया कि आईआईटी तुम्हें नहीं मिलेगा, बाकी सब कॉलेज मिलेगा, तो चलेगा क्या? आईआईटी नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा ना, तो फिर है ना? इसलिए ऐसा कोई हरकत नहीं रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुम बोलोगे एक क्लास, तू बोलेगा एक कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, आईआईटी कॉलेज नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा ना हमारे साथ। ऐसा नहीं करना, कुछ भी हो जाए क्लास अटेंड करना ही करना। हो गया बेटा ये 100% आई? दूसरा क्वेश्चन, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक पुली ले रहा हूँ, ठीक है? अरे पता नहीं मेरा मार्कर में क्या हो गया, सारा मार्कर ही खराब चल रहा है। कि ठीक है,
देखो बेटा ये है, ठीक है ओके। अब यहाँ पर समझो, इसका जो एंगल है वो 53 है और इसका जो एंगल है वो 37 है, समझ में आई बात। और ये ए ब्लॉक है जिसकी जिसको मैं इधर खींच रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये बी है, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा और किधर का होगा, ये भी बताना है। बताओ बाबू, सभी लोग ट्राई करेगा, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। सर बन गया, कितना आंसर आया बताओ, किसको किसको बना? किसको किसको बना है बताओ? 7.5 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कितना रहा है बाबू? सर 12.5 मीटर पर सेकंड। 7.5 मीटर पर सेकंड दिल्ली आ रहा है। सेवन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड जिसको जिसको भी है उसका आंसर करेक्ट है। चेक करो अच्छे से, ठीक है। अब देखो बाबू इधर इधर देखो, तो जिसको नहीं आया मेरे देखो, जब ये इसको तुम जब तुम खींचोगे इधर, इसकी वेलोसिटी अगर तुम इधर बता रहे हो तो रस्सी के लॉन्ग किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा नीचे की तरफ। यस सर, ऐसा हो जाएगा। और ये रस्सी जब इधर आएगा तो रस्सी इधर जाएगा इस तरफ, तो बी किधर जाएगा? बी इधर जाएगा आगे, इस तरफ आएगा बी, ठीक है। तो ये हो गया काम, है ना। तो ये भी आपको दिया हुआ है और यहाँ पर भी निकालना है, तो क्या होगा? इसका कंपोनेंट रस्सी के लॉन्ग लो, इसका इस तरफ लो बाबू, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो ना, ये एंगल 53, तो 53 होगा ये, यानी कितना हो जाएगा? बी ए कॉस 53 इधर आ जाएगा और बी बी आगे का है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा बाबू? बी बी कॉस 37 होगा। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग के लॉन्ग है, क्या है ये स्ट्रिंग के लॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 53 डिग्री इट मस्ट बी इक्वल टू बी बी कॉस 37 डिग्री। और यहां से बी बी क्या हो जाएगा? बी ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है?
cos 53 डिवाइड बाई cos 37, तो VA कितना है 10, cos 53 कितना होता है बाबू 3/5, और cos 37 कितना होता है 4/5, कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 30/4 हो गया, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड हो गया। ये किसको समझ में नहीं आया बाबू बताओ? अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया बोलेगा, क्लियर है सबको? यस यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है? डन। चलो समझ में आ गया सबको? एक क्वेश्चन और बनाओ इसी बात पे, एक और देता हूँ बाबू। समझ में आ रहा है ना सबको 100%? यस सर, यस सर, आ रहा है। यस सर, एक भी ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा है बोलेगा? एक भी सिंगल बच्चा पूरे बैच में जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि IIT का क्वेश्चन है ये सब, इस लेवल से IIT का लेवल क्वेश्चन जा रहा है धीरे धीरे, है ना? तो समझ में अगर आ रहा है तो आप IIT निकाल सकते हो, ठीक है? अब बताओ किसको लग रहा है कि IIT मेरे से नहीं होगा? एनीबॉडी? ये रिंग है बाबू, ये क्या है? रिंग है। ये क्या है? रिंग है। रिंग से एक धागा बंधा हुआ है, स्ट्रिंग बंधा हुआ है, और ये इधर से बनते हुए इधर एक ये है, आसन में। क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखो क्या होगा। अगर ये रिंग आगे जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, नहीं जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. जाएगा? Yes, sir. अब तुमसे पूछा जाएगा कि अगर ये रिंग आगे जा रहा है कितना से, 50/3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सपोज कितना से जा रहा है, 50/3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है? और ये जो एंगल है ये बना रहा है 53 डिग्री, कितना बना रहा है 53 डिग्री बना रहा है। तो आपको बताना है कि A की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, है ना? नीचे ही जाएगी ऑब्वियस सी बात है। और ये कब पूछा गया है? जब ये 53 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये जैसे जैसे आगे आएगा एंगल चेंज होता रहेगा, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर एंगल जब पहुंचा है उस टाइम तक पूछा गया है। सर 10 आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है, और मेरा भी 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है सर। यस सर, 10 आ रहा है सबको? यस सर, जिसको भी 10 आ रहा है सर, 10 आ रहा है, जिसको भी 10 आ रहा है, यस सर, उसका तो 100% करेक्ट आंसर है। बाकी लोगों को कितना आ रहा है? 10 आ रहा है सर, 10 आ रहा है, तो करेक्ट है, सही है ना? अब बताओ देखने से कैसा लग रहा है क्वेश्चन? देखने से लग रहा है कि बहुत टफ होगा क्वेश्चन, बन रहा है ना? यस सर, यस सर।
क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? चलो अब करते हैं हम, ये समझ में आ गया क्या करेंगे हम इसका, इसका कंपोनेंट लोगे, क्या करोगे? अगर ये इधर जा रहा है, इसको मान लो वी आर मान लो, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? वी आर कॉस 53 कॉस 53 और इसका वी ए, तो क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी वी आर कॉस 53 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू वी ए। तो वी ए कितना हो जाएगा? वी आर है 50/3 और कॉस 53 कितना होता है? 3/5 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आपको आंसर आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है उतार लो, जिसको भी नहीं आया उतारो, सभी लोगों को समझ में आना कंपलसरी है। सर इसमें ग्रेविटी है, क्या बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? इसमें ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक्ट करेगा? ग्रेविटी एक्ट क्यों नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना? लेकिन मैं एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं अभी, अभी मैं पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। एक्सेलरेशन की भी जब बात करूंगा तो उसको भी लेंगे, डोंट वरी। देखो चलो अब इसके बाद करो, उतार लिया, अब नेक्स्ट लिखो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लिखेंगे, देखो व्हेन पुली इज आल्सो इन मोशन। अब जो पुली जो अभी तक था वो रुका हुआ था और स्ट्रिंग उसके ऊपर जो लपेट करके जा रहा था वो मोशन में था, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं कर रहा हूं पुली को भी मोशन दे रहा हूं। ऐसे मान लिया जाए ये हमारा पुली है, ये हमारा पुली है, ठीक है, और इसके एक इधर और बॉडी है, एक इधर बॉडी है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये आपका पुली है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें मान लीजिए ए इधर आ सकता है, ये भी ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, कैसे भी हो सकता है, डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको पुली को भी ऊपर लेके जा रहा, क्या कर रहा हूं? मैं पुली को ऊपर लेके जा रहा हूं, पूरा ऐसे पकड़ करके इसको ऊपर लेके जा रहा हूं और ये आगे पीछे हो रहा है ना। अब तराजू देखा है, तराजू है, देखा है तराजू भाई है? उसको ऐसे लेके चलो तो क्या होता है, इधर इधर भी होता रहता है, इसको भी ऊपर लेके जा रहे हो, ऐसे ऐसे करो, है ना, डिपेंड करता है ना कैसे होगा। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, कितना वेलोसिटी से जाएगा, ये सब कुछ आपको मैटर करता है, है समझ में? अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि जब तुम पुली जा रहे हो, पुली को ऊपर लेके जा रहे हो, है ना, तो मुझे एक चीज समझानी है आपको, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी अगर चलती हुई ट्रेन में तुम बैठ जाते हो, है ना, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन उसमें बैठे हुए पैसेंजर का क्या हो जाएगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में? जीरो हो जाएगा, जीरो। अगर तुम भी ट्रेन में ही बैठ जाओ, ट्रेन के बाहर हो तो क्या लगेगा? वो चल रहा है ट्रेन, यानी उसमें बैठा हुआ आदमी भी चल रहा है। लेकिन जब तुम खुद भी ट्रेन के अंदर बैठ जाओ तब क्या हो जाएगा? तब लगेगा कि रुका हुआ है ना, आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रखा है। तो यहां पर भी अगर ये पुली जा रहा है, पुली ऊपर जा रहा है, जो तुम्हारी चीजों को कॉम्प्लेक्स कर रहा है, तो उसको इजी करने का तरीका ये है कि तुम पुली पे बैठ जाओ, क्या करो, तुम पुली के ऊपर ही बैठ जाओ। अब क्या होगा, अब अगर पुली जा रहा है ऊपर, उससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, अगर पुली जा रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि तुम खुद पुली पे आ गए हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो ये वेलोसिटी होनी चाहिए नेचुरली वही होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये पता था कि अगर ये रुका हुआ होता है तो जितनी वेलोसिटी इसके नीचे होगी उतनी वेलोसिटी इसके ऊपर होनी चाहिए,
होनी चाहिए, होनी चाहिए, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, होनी चाहिए जब ये रुकी हुई थी तो। लेकिन अगर ये चल रही है, चल रही है, ये आपको एडिशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसको सोल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया कि तुम पुली पे ही बैठ जाओ, तुम पुली पे ही बैठ जाओ। अब क्या हुआ, अब इसका चलना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो क्या करोगे, अब तुम जब यहां बैठ के देखोगे तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्या चाहिए, पुली के रिस्पेक्ट में इसका और इसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि वी ए पी मस्ट बी इक्वल टू नाउ वी बी पी। अगर पुली चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम पुली पे ही बैठ करके कर रहे हैं इसको ऑब्जर्वेशन। लेकिन आपको वेलोसिटी ऑफ ए विथ ग्राउंड नहीं आएगा, फिर पुली आएगा। फिर अगर तुम ट्रेन में बैठ गए हो तो पैसेंजर रेस्ट में कल आएगा, किसके रेस्पेक्ट में, तुम्हारे रेस्पेक्ट में, है ना। जब तुम ट्रेन में बैठ गए हो तब, अगर तुम ट्रेन से बाहर रहते तो पैसेंजर का वेलोसिटी जीरो नहीं होता, है ना। तो तुम अगर यहाँ बैठ गए हो पुली पे, तो पुली के रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ बी होना चाहिए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी मैंने पहले बता रखा है आपको कि जो ऑब्जर्वर होता है या जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है वह अपनी वेलोसिटी को माइनस कर लेता है, या अपनी पोजीशन को माइनस करता है, या अपनी एक्सेलरेशन को माइनस करता है, है ना। रिलेटिव में क्या करता है, वह अपनी चीजों को माइनस करता है। यहाँ क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी पी लिख सकता हूं मैं, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू वी बी माइनस वी पी, राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट सर, राइट है या रॉन्ग है। अब यहां से क्या आएगा सर, अब यहां से आ जाएगा बाबू, ये आ गया आपको वी ए पी और वी बी पी, ठीक है। यस सर, हाँ। लेकिन क्योंकि मैं वेलोसिटी ले रहा हूं तो डायरेक्शन भी मुझे लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं इसको ऐसा बोलना चाहिए कि वी ए पी अगर ये नीचे जाएगा तो जरूर है इसको ऊपर जाना पड़ेगा। यस और रॉन्ग? यस सर, हाँ। अगर ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी उतनी ही लंबी है, वो बड़ा छोटा नहीं हो सकता, दोनों नीचे नहीं जा सकता। इसलिए मुझे कायदे से क्या करना चाहिए, माइनस लगा देना चाहिए, नहीं लगा देना चाहिए। यस वेलोसिटी दोनों का बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा, इसलिए मुझे यहां भी माइनस लिख देना चाहिए फिर। यस और रॉन्ग? यस सर, ठीक है। यस सर, इसको सॉल्व कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस वी पी वी बी प्लस वी पी, और यहां से सोल्व होकर के आ रहा है तुम्हारा वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई टू आ रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि पुली का वेलोसिटी ए और बी के वेलोसिटी के एवरेज के बराबर आता है। क्या आता है, ए और बी दोनों वेलोसिटी के एवरेज के बराबर आ जाता है न्यूमेरिकली। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर, यस। अब अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन बना दो बाबू। मान लिया जाए ये भी ए की वेलोसिटी नीचे 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, और तुम पुली को पकड़ करके ऊपर भागे जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से। अब आपको बताना है कि ये बी ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से किधर जाएगी। सुन लो, ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है बाबू, आपको डायरेक्शन के साथ काम करना है। क्या करना है, डायरेक्शन के साथ काम करना। आप ऐसा कर लो, ऊपर को मान लो पॉजिटिव ले लेना तो नीचे को निगेटिव ले लेना, तो वीपी और वीए को साइन के साथ वैल्यू पुट अप करना तो वीबी की वेलोसिटी अपने आप साइन के साथ आ जाएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो यानी तुमने ऊपर माना है पॉजिटिव तो ऊपर जाना चाहिए, अगर निगेटिव आ रही है यानी कि आपने अगर ऊपर माना है पॉजिटिव तो ये ब्लॉक नीचे जाएगी। बस आ गई, यानी जो भी लेना है आपको साइन के साथ लेना है,
ऊपर को पॉजिटिव मान लेना, नीचे को निगेटिव मान लेना। बात सुन आ गई सबको? चलो करो बेटा फास्ट करो। बन गया सर। हो गया सर। गया। कितना आ गया बाबू? 15 मीटर पर सर। 15 मीटर पर सेकंड सर। 15 मीटर पर सेकंड बोल रहा है। 15 मीटर पर सेकंड सर। 25 आई किसी। 25 जो 15 बोल रहा है ना वो डायरेक्शन लेने में 25 है ना। करेक्ट आंसर इज 25 मीटर पर सेकंड। 25 हां सर सही है। VA को क्या लूंगा? -5 लेना चाहिए क्योंकि नीचे जा रहा है, इसलिए -5 प्लस VB डिवाइड बाई VB।